अब समय भी आ गया है कि मैं रसोई का दायित्व तुम दोनों को सौंप दूं। रसोई, उपवन, सभी दायित्व हम संभाल लेंगे माँ। हाँ माँ, अवश्य आप देवर जी के साथ मन भर का समय बिताएं। चलो पुत्र। किंतु अनुज गणेश, माँ लक्ष्मी के साथ तुम्हारी इस यात्रा को लेकर तो मैं भी विस्तार से जानना चाहता हूँ। अवश्य ज्येष्ठ, आइए। बली, कल से हम दोनों साथ में तुलसी पूजा करेंगे। घर, रसोई, उपवन, अब सबका ध्यान हम ही रखेंगे। यदि मैं समय पर नहीं उठ सकी तो मुझे उठा दूंगी ना वल्ली? हाँ दीदी, अवश्य। और यदि मैं ना उठी तो आप? हाँ वल्ली, अवश्य मैं तुम्हें उठा दूँ। मैं आती हूँ। मैं भी तो देवी पार्वती के परिवार के हर सुख की कामना करती हूँ। उनमें कोई बाधा और अशांति नहीं आनी चाहिए। स्वामी, आपकी ये रहस्यमयी मुस्कान मुझे कभी कभी शंका में डाल देती है। देवी पार्वती के सुख में किसी प्रकार का कोई अवरोध तो नहीं आने वाला ना स्वामी? अनुज गणेश, यात्रा में तुम्हें माँ के हाथों से बने स्वादिष्ट मोदक तो नहीं मिल पाए होंगे ना? उनके लिए तो बहुत तरसे होगे ना तुम? किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। तो अब तो अत्यंत आनंद आएगा तुम्हें। प्रभु, दीदी देवसेना की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उचित है, किंतु मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आह, उनके हाथों के बने पकवान के स्वाद का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते अनुज। वल्ली की कितनी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं स्वामी, तो क्या उनके हृदय में मुझसे अधिक वल्ली का स्थान है? माँ देखिए ना, भ्राता भाभी माओं का कैसा गुणगान कर रहे हैं। किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आह। स्वामी के लिए दीदी देवसेना का स्थान मुझसे अधिक है क्या? क्या स्वामी को मुझसे अधिक वल्ली प्रिय है? कल भोर से मैं भी उनके हृदय में और स्थान पाने का प्रयास करूंगी। माँ और स्वामी दोनों मुझसे प्रभावित हों, कल से कुछ ऐसा करूंगी मैं। अद्भुत, देवसेना कितनी कर्तव्यनिष्ठ है, सुबह होते ही पूजा के लिए आ गई। माँ के प्रिय पुष्प के पौधे जल बिना मुरझा रहे हैं, मुझे इन्हें जल देना चाहिए। वल्ली जल कलश के साथ? और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आह, उनके हाथों के बने पकवान के स्वाद का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते अनुज। स्वामी कहीं बहन वल्ली से और अधिक प्रभावित ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे पहले पूजा करनी है और स्वामी का सभी कार्य भी, फिर इस पौधे को जल दे दूंगी। ओह, तुम तो मुरझा रहे हो, तुम्हें तो जल चाहिए। महाप्रसाद जननी।
सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी। दीदी देवसेना तो पूजा आरंभ भी कर चुकी है। क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया। तब तो ये फिर प्रभु की प्रशंसा की पात्र बनेंगी और स्वामी के सभी कार्य कर उनकी दृष्टि में एक आदर्श पत्नी बन उनके हृदय में उच्च स्थान प्राप्त कर लेंगी। क्षमा करना, मुझे अभी जाना है, किंतु तुलसी पूजा के बाद मैं तुम्हें जल देने अवश्य आ जाऊंगी। इन दोनों के बीच की ये स्पर्धा, किंतु ये तो स्वाभाविक और प्रेम से पूर्ण स्पर्धा है। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनी ललोहितः शंकर शूल पाणिश्च खट्वांगी विष्णु वल्लभः शिपि विष्टो अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सलः। प्रभु, आपके चरण रज प्राप्त करना आपके प्रसाद के ही समान है, और प्रसाद ग्रहण कर बड़ों का आशीष लेने के पश्चात ही पूजा पूर्ण होती है। हमारी पूजा तो संपन्न हुई, अब हमें जाकर माँ और पिताश्री का आशीष प्राप्त करना चाहिए। हाँ बहन वल्ली। प्रभु, आज कितने दिनों के पश्चात हमारा पूरा परिवार एक साथ है, इसलिए आज का दिन मैं एक उत्सव के समान मनाऊंगी। अपने दोनों पुत्रों के लिए उनका प्रिय भोजन बनाऊंगी, उन्हें स्वयं जाकर जगाऊंगी। देखिए स्वामी, हमारी दोनों पुत्र वधुएं भोर में ही अपनी पूजा संपन्न कर यहीं आ रही हैं। बहनों के समान दोनों में कितना स्नेह है। पुत्र वधु होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाती हैं। हर दिन के समान पूजा कर वो हमारा आशीष लेने आ रही हैं। यानी स्वामी के उठने का समय हो गया। आज मैं स्वामी को जगा दूं? स्वामी को उनकी निद्रा से कल भी वल्ली नहीं जगाया था। मुझे भी यह सौभाग्य क्यों ना मिले कि उठते ही सबसे पहले वो मुझको ही देखे। तो मुझे भी वल्ली के साथ जाना चाहिए। तुम उचित कहती हो वल्ली। सूर्यदेव आज दिन की यात्रा आरंभ करे उससे पहले हम दोनों को स्वामी को जगा देना चाहिए। कार्तिकेय को जगाने तो मैं ठीक है। क्या इन्होंने इतनी भी क्या शीघ्रता थी कि हमारा आशीष लेना भी भूल गई। स्पर्धा में पड़ गई हैं दोनों, कहीं इसी कारण। कुछ भी नहीं होगा प्रिय, जहां आप हैं वहां कुछ भी अप्रिय नहीं हो सकता। आपके शब्द सत्य हो प्रभु, किंतु मेरे पुत्रों पर मेरा भी तो अधिकार है। आज मैं स्वयं उन्हें जाकर जगाना चाहती थी। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु जिस प्रकार आप प्रभु महादेव का ध्यान रखती हैं, यदि उसी प्रकार कुमार कार्तिकेय की पत्नियां भी अपना कर्तव्य निभाएं तो उचित होगा। और एक बार प्रथम पूज्य गणेश जी का विवाह हो जाए उसके पश्चात आपको उनकी भी चिंता नहीं करनी होगी। विवाह होने पर भी पुत्र का संबंध उसकी माँ से समाप्त तो नहीं हो जाता। माँ और पुत्र का स्नेह तो सदैव बना रहता है। माँ तो सदैव माँ ही रहती है ना नंदी जी। किंतु आपने एक बात तो उचित कही, गणेश का विवाह तो अभी नहीं हुआ है, तो उस पर तो एकमात्र मेरा ही अधिकार है। देवसेना और वल्ली कार्तिकेय को जगाने गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र गणेश को तो मैं ही जगाऊंगी।
आँख खुलते ही उनकी दृष्टि सर्वप्रथम मुझ पर ही होगी। स्वामी निद्रा से जागेंगे तो सर्वप्रथम मुझे ही देखेंगे। प्रणाम स्वामी। जागते ही आप दोनों के दर्शन पाने का सौभाग्य मिला मुझे। मेरे आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपके लिए जल्दी आती हूँ। नहीं वली, रुको, तुम चिंता मत करो, मैं जल लेकर आती हूँ। मेरी चिंता सत्य तो नहीं हो रही? कहीं इनकी स्पर्धा बढ़ती तो नहीं जा रही? माता, भ्राता भाभी माओं के हाथ से जल का कलश क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यदि वो एक के हाथ का भी कलश लेकर जलपान कर लेगा तो दूसरी पत्नी निराश हो जाएगी और उसे ये लगेगा कार्तिकेय का प्रेम उसके प्रति कम है। ओ, समझा माता, ये बात है। अर्थात भ्राता के सामने तो बड़ी दुविधा है, एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई। ये कहां उलझ गए देव सेनापति? भयंकर भयंकर असुरों से युद्ध करने में कभी कोई समस्या नहीं हुई, किंतु यहां तो समस्या ही बड़ी जटिल है। देव सेनापति, यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा आपको, जिसमें मैं ही सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भूल हुई तो जो युद्ध होगा उसमें आप विजय नहीं हो सकते। लीजिए ना स्वामी। माता, देखिए ना कैसा अन्याय हो रहा है यहाँ। दो कलश जल की आवश्यकता मुझे होती है और वो मिल किसे रहा है? भ्राता को। मुझे क्या चाहिए उसका विचार तो कोई भी नहीं करता। नहीं देवर जी। हाँ देवर जी, आप जल ले लीजिए। लीजिए। धन्यवाद भाभी माँ, आप दोनों ने मेरा भी ध्यान रखा, किंतु एक कलश जल तो मैं पी चुका हूँ, तो मैं दोनों कलशों का क्या करूँगा? एक आप ले लीजिए भ्राता। धन्यवाद गणेश, मुझे इस गंभीर समस्या से निकालने के लिए। धन्यवाद अनुज गणेश। अभी तो पुत्र गणेश ने स्थिति संभाल ली, किंतु पुत्र कार्तिकेय के स्नेह को पाने के लिए इन दोनों की ये होड़, ये स्पर्धा उचित नहीं। इससे तो परिवार में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, और जब मन में दुराव आ जाए तो फिर परिवार भी कहाँ प्रसन्न रह पाता है। इसके पूर्व की ये स्पर्धा ईर्ष्या में बदल जाए, जिसका प्रभाव परिवार पर ही पड़ने लगे,
मुझे इन दोनों को समझाना होगा, नहीं तो परिवार की शांति भंग हो जाएगी। उचित अवसर देखकर कहना होगा। दूसरों के सामने किसी की त्रुटि बताने से भूल करने वाले को अपमान का बोध होता है, इसलिए मुझे बड़ी समझबूझ से इन दोनों को समझाना होगा, वो भी तब जब दोनों एक साथ अपने कक्ष में होंगे। पिताजी और माँ ने तो जैसे स्वर्ग लोक के सभी आभूषण मुझे दे दिए, किंतु इनमें से किस आभूषण को धारण करूं जिसे मैं स्वामी को भा जाऊंगी। दीदी, देवसेना के पास तो अनेक आभूषण है। एक आभूषण पहनकर बार बार स्वामी के सामने जाऊंगी तो कुछ समय बाद प्रभु मुझ पर ध्यान भी नहीं देंगे। मल्ली को तो चुनाव की कोई समस्या ही नहीं, शीघ्र श्रृंगार कर स्वामी के साथ अधिक समय बिताती है। इस कारण कहीं उनका प्रेम मेरे प्रति घटता चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जितना मैंने सोचा था, बात तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर है। इन्हें एक साथ नहीं अलग अलग समझाना होगा, तो अभी मैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। सूखते पौधे को तो जल देना भूल ही गई, अभी जाकर दे देती हूँ। किंतु दीदी का श्रृंगार भी अब पूरा हो गया। क्षमा करना पौधे, तुम्हें कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी मेरा कहीं और होना आवश्यक है। भोजन की व्यवस्था में मैं देर नहीं कर सकती, भोजन के बाद तुम्हें जल देने अवश्य आऊंगी। तो चली भी गई तो मुझे भी जाना चाहिए। ओ, पौधे को पानी भी तो देना था, किंतु अभी नहीं, अब तो भोजन के बाद ही जल दे सकती हूँ, अन्यथा भोजन को लेकर सभी वल्ली की ही प्रशंसा करेंगे। माता, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब तो मेरा कार्य है। माता, दो पुत्र वधू के होते हुए आप कार्य करें, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। हाँ माँ, आप जाकर विश्राम कीजिए, हम दोनों मिलकर भोजन पका लेंगे। हाँ माँ। हाँ हाँ, अवश्य पका लोगी, किंतु आज मेरा मन है सबके लिए उनका प्रिय भोजन बनाने का। गणेश के लिए मोदक, स्वामी के लिए सात्विक सरल भोजन, हर पुत्र कार्तिकेय के लिए मैं विशेष खीर पकाऊंगी आज। किंतु माता, स्वामी को तो शीरा पसंद है। हाँ माँ, उन्हें तो शीरा पूरी ही भाता है। शीरा तैयार है, हम बस पूरी पकाने ही जा रहे हैं। नहीं पुत्रियों, तुम्हें कदाचित कोई भूल हुई है, पुत्र कार्तिकेय को खीर अत्यंत भाती है। क्षमा कीजिए माता, किंतु हमसे कोई भूल नहीं हो रही है, स्वामी का प्रिय भोजन शीरा और पूरी ही है। ओ, शीरा और पूरी। शीरा पूरी अर्थात मेरा सबसे प्रिय पकवान बन रहा है आज। अब शीघ्र भोजन दीजिए ना मां, शीरा पूरी का नाम सुनकर तो मेरी भूख और भी अधिक बढ़ गई है। विवाह के उपरांत दायित्व बदल जाता है, ये तो मैं समझ सकती हूँ, किंतु स्वाद भी बदल जाता है।
ये आज मुझे ज्ञात हुआ। शीघ्र परोसिए ना माँ, अब प्रतीक्षा करने का मन नहीं है। भ्राता, भोजन के प्रति आपकी इतनी रुचि तो आज मैंने पहली बार देखी है। मुझे तो लगता था भोजन मुझे ही बहुत प्रिय है, किंतु आज आप मेरे समान व्यवहार कर रहे हैं। क्यों अनुज गणेश, तुम्हें स्मरण नहीं है, देवी देवसेना और वल्ली ने इतना स्वादिष्ट शीरा पूरी बनाया था कि मैं स्वयं खीर का ही स्वाद भूल गया। कदाचित भ्राता का शीरा पूरी को लेकर इतना उत्साह माता के हृदय को आहत कर रहा है, क्योंकि पहले तो वो सदा माँ के हाथ की खीर खाने के लिए उतावले रहते थे, किंतु भ्राता, जो मोदक मुझे बहुत प्रिय है, वो माता से अच्छा कोई नहीं बना सकता। आप अपने शीरा पूरी के तैयार होने की प्रतीक्षा कीजिए, मेरे मोदक तो तैयार हैं, मैं तो आरंभ कर रहा हूँ। अद्भुत। स्वामी आप चिंता मत कीजिए, पूरी बस तलने ही वाली है। हाँ। भ्राता, जब मोदक तैयार हैं, तो आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, आइए ये तो ग्रहण कीजिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को मोदक ही परोस देती हूँ। बस 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 बस, अभी मैं इतने सारे मोदक यदि खा लूंगा तो फिर मैं शीरा पूरी कैसे खा पाऊंगा, पेट भर जाएगा ना। मैंने इतने मन से इन दोनों का दुलार करने के लिए इनके सबसे प्रिय भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु कार्तिकेय को तो खीर का स्वाद भी स्मरण नहीं। वल्ली, तुम जाकर माता की सहायता कर लो, मैं पूरी तल दूंगी। नहीं दीदी, माँ ने तो मोदक परोस भी दिए, आप दोनों जाइए विश्राम कर लीजिए, यहाँ मैं पूरी बना लेती हूँ। इन दोनों की स्पर्धा तो फिर आरंभ हो गई है, अब तो मुझे इसी बात की चिंता सता रही है। नहीं वल्ली, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं, मैं पूरी तल लूंगी, तुम जाकर विश्राम क्यों नहीं करती, है ना। आप कार्य करें और मैं विश्राम करूंगी, ऐसा कहीं अच्छा लगता है क्या। आप मेरी बात मानिए, आप जाकर विश्राम कर लीजिए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए आप। कदाचित अब बात बिगड़ने ही वाली है। नहीं नहीं वल्ली, तुम जाओ ना। वल्ली, मैं कर लूंगी। नहीं दीदी, मैंने कहा ना, आप विश्राम कीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं वल्ली, मैं... मेरा सुझाव है कि तुम दोनों मिलकर पूरियां तल लो, और वैसे भी तुम दोनों दो कहां हो, एक ही तो हो, और स्वादिष्ट भोजन का रहस्य पता है तुम्हें, जब उसे मन से प्रेम से पकाया जाए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है, और तुम दोनों का प्रेम तो इसे कहीं अधिक स्वादिष्ट बना देगा। कदाचित इससे इनकी समझ में आएगा कि ये दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो पुत्र कार्तिकेय के लिए इनका प्रेम अनेक गुना बढ़ जाएगा। उचित है माता, आपका आदेश तो हमारे लिए कर्तव्य के समान है। एक ही तत्व के दो स्वरूप आपस में स्पर्धा भी कर सकते हैं, ये तो मुझे आज पहली बार देखने को मिला। क्या सोच रहे हो अनुज गणेश, विवाह का एक परिणाम ये भी है, किंतु मेरी चिंता तो ये है कि इन दोनों की ईर्ष्या और असुरक्षा के भाव से उपजे इस स्पर्धा में कहीं मैं ही ना उलझ कर रह जाऊं। तो इसके मूल में ईर्ष्या और अपने स्थान को लेकर असुरक्षा का भाव है, ये तो बहुत बड़े संकट का संकेत है। प्रिय, आइए स्वामी, आसन ग्रहण कीजिए स्वामी। प्रिय, आप तीनों भी भोजन कीजिए। नहीं स्वामी, पहले आप तीनों भोजन कर लीजिए, उसके पश्चात हम कर लेंगे। हाँ हाँ पिताश्री,
अब तो पूरियां भी तैयार है। प्रिय, मैं भी आज शीरा पूरी खाऊंगा। स्वामी, बहू ये आई तो पुत्र का स्वाद बदला, कोई बात नहीं, किंतु आपका स्वाद कब बदल गया? के हाथ का परोसा कोई भी भोजन मुझे स्वादिष्ट लगता है प्रिय, और वो कभी कैसे बदल सकता है? ये स्थिति नियंत्रण में कैसे आएगी? यहाँ तो पुनः स्पर्धा होने लगी है। ये तो अब साधारण स्पर्धा से कहीं आगे जा रही है, किंतु सभी के सामने कुछ कहना भी उचित नहीं। पुत्री वल्ली, गणेश के मोदक समाप्त हो रहे हैं। किंतु मुझे तो और भूख ही नहीं है। ओ, समझा, आप भाभी माँ वल्ली का ध्यान भ्राता के थाल से हटाना चाहती है माता। भाभी माओं के लिए कुछ मोदक अधिक खाने होंगे। अब तो पुत्र कार्तिकेय को अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर भी कठिनाई से ही मिलेगा, और गणेश के विवाह के बाद तो कदाचित उसे भी भोजन कराना कठिन होगा। पिताश्री माता के मन का भाव समझकर मुझसे कुछ करने का संकेत कर रहे हैं, जिससे माता के मन का दुख दूर हो जाए। भ्राता, पूरा भोजन किया किंतु माता के हाथों से एक भी निवाला नहीं खाया, तो संतोष कैसे होगा? ये तुमने सर्वथा उचित कहा अनुज गणेश। हाँ माँ, भले ही देवी देवसेना और वल्ली ने कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाया हो, किंतु जो स्वाद आपके हाथों में, वो अद्भुत है। चलो, इतना तो हुआ कि सारी प्रशंसा वल्ली को नहीं मिली। अच्छा ही हुआ ना, सारी प्रशंसा का केंद्र दीदी नहीं बनी। दोनों भाभी माओं के मन में एक दूसरे को लेकर स्पर्धा बहुत गंभीर हो चुकी है।
मुझे विश्वास है कि इस बार भाभी माँ मुझे भूली नहीं है। दोनों भाभी माओ में से एक तो अवश्य मेरे लिए भी जल लेकर आई होंगी। ये लीजिए देवर जी। धन्यवाद भाभी माँ। स्थिति अभी सुधरी नहीं है, मुझे इन दोनों को अलग अलग समझाना ही होगा, अन्यथा कैलाश के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगड़ते समय नहीं लगेगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।